बैठी थी और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही फेमस फिर से एक टिकटॉक की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और मैं ये वीडियो शुरू करने के पहले आज ये बताना चाह रही हूँ, ये रेसिपी आप जरूर से ट्राई करो। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम समय में यानी मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही अच्छा है। मैं इसे ट्राई करके देखी हूँ, टेस्ट करके देखी हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने 2 लहसुन और बटर लिया है थोड़ा सा। सबसे पहले लहसुन का जो सिर होता है उसे काट कर हटा लें, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है। एक एल्युमिनियम फॉइल ले लें और उस पर लहसुन को डाल दें, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दें 2 चम्मच और एल्युमिनियम फॉइल को बंद करके इसे माइक्रोवेव कर दें 20 मिनट के लिए। माइक्रोवेव अगर नहीं है तो इसे हम किसी बर्तन में भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं एंड स्क्रीन में शेयर कर दूंगी। अब 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हो गया है। और अभी बटर में इसे मैं निकालूंगी और आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से निकल जा रहा है बिना किसी मुश्किल का। दोस्तों यकीन माने आप इसे एक बार बना कर देखें, बिना किसी मुश्किल का, बिना किसी मुशक्क़त का सारा ही लहसुन के छिलके अलग हो गए हैं लहसुन से। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बटर में मिक्स हो गए हैं। अभी यहाँ आपके घर में जो भी हर्ब हो आप उसे ले लें और यहाँ पर चिली फ्लेक्स ले लें। और अगर सॉल्टेड बटर नहीं है तो सॉल्ट भी डाल दें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है ओरिगैनो। अभी सभी को मैं मिक्स कर लूँगी और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और जैसा कि आपने देखा ये बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें। अभी यहाँ पे मैं ब्रेड ली हूँ, ब्रेड को थोड़ा सा सेक लूँगी इसे रस्क बनाने के लिए। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, रस्क बन जाएगा। नहीं है तो आप तवे पे भी जैसा मैं दिखाई हूँ वैसा कर सकते हैं। अभी सारे ब्रेड पर मैं लगा लूँगी यहाँ पर ये जो मिक्सचर अभी तैयार किया है बटर वाला। और मेरे तो अभी भी मुँह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी होता है ये। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, ऐसे आप लगा लें। और एक लास्ट स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ, बस तवे पे इसे डाल दें या माइक्रोवेव कर लें इसे 20 सेकेंड्स के लिए, या फिर तवे पे डाल दें थोड़ी देर के लिए। और देखिए बस ये बनकर तैयार हो गया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं चैनल पे, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आप सभी से मेरे आने वाले नए वीडियो में।